नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की। तो हापुड़ केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस वक्त की अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा है। हापुड़ केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 20 घायल। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 20 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। हापुड़ केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से ये भीषण आग लगी थी, जिसमें 6 की मौत और 20 से ज्यादा मजदूर घायल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमजद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अमजद, घायलों की क्या स्थिति है, क्या ताजा जानकारी? बता देना चाहता हूँ कि UPSIDC हापुड़ की जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और काफी जो है करीब है, वहाँ 100 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। और आज जो है करीब जो है दोपहर के वक्त जो है करीब जो है स्टीम बॉयलर फटने से एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग इस आग के दौरान में जो है करीब 6 से कुछ अधिक अब तक जो है लाशें मिल चुकी हैं और करीब 20 से अधिक जो है पुलिस जो बता रही है घायल हैं। और वहीं दमकल टीम और भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर मौजूद है। SP हापुड़ समेत जो है पुलिस बल पहुंच गया है और जो घायल हैं उन्हें जो अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और बाकी अन्य की जो है तलाश की जा रही है उपचार के लिए। ठीक है, साथ ही ये भी जानेंगे जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए कोई सहूलियत दी जा रही है क्या? हाँ कोमल जी, पुलिस द्वारा जो है मृतकों के जो परिजनों को जो है सूचना दे दी गई है और जो है उनसे जो अधिक से अधिक जो है उनके मुआवजे वगैरह की भी जो है बात है, पुलिस कर रही है कि जो मजदूर जो है हुए मृतक हुए हैं उन्हें जो कहीं ना कहीं मुआवजे की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि अचानक ये बॉयलर फटा फैक्ट्री की तरफ से, वहाँ फैक्ट्री के कोई अधिकारी का कोई बयान? जी अभी तक फैक्ट्री के अधिकारी का कोई बयान नहीं आया। हालांकि बस पुलिस प्रशासन द्वारा जो जितनी जानकारी मिली थी इसमें जो हमने साझा कर दी है और वहीं जो आगे की जो है मौके पर पहुंच गए जो पूरी तरीके से डिटेल जानकारी दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आजमद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।